दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और मैं आज आपके लिए यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम यहाँ पर अनबॉक्सिंग करेंगे इस ज़ेब्रोनिक्स के स्पीकर की, जिसका नाम है साउंड फीस्ट 50। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये स्पीकर दोस्तों 14 वाट का यहाँ पर स्पीकर है। इसमें आपको दो स्पीकर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसका वन बाय वन मैं आपको सारी डिटेल दूंगा और मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको कोई भी किसी वीडियो में नहीं बताने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं, इसमें जो आपको चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पर सारी मेंशन की हुई है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं डीप बेस है, उसके बाद वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्मार्टफोन भी इसमें होल्ड करवा सकते हो, ये भी आपको यहाँ पर फीचर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको 57 mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, वो भी दो। तो इसमें दो स्पीकर है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। उसके बाद ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। USB इसमें आप लगा सकते हो, अपना मेमोरी कार्ड भी यहाँ पर आप लगा सकते हो, ऑक्स केबल यहाँ पर आप लगा सकते हो, FM रेडियो यहाँ पर चला सकते हो, एंड यहाँ पर रग्ड डिज़ाइन भी लिखा हुआ है जो कि आपको थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा। एंड इधर चले हम और यहाँ की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो दो मिनट अगर मैं फोकस मेरा कैमरा, यस नाउ यहाँ पर वायरलेस ब्लूटूथ है, हमने देख लिया ये सारा कुछ यहाँ पर। तो बिल्ट इन रिचार्जेबल मेमोरी है, ये भी हमें यहाँ पर दिखाया गया है। जो मेन चीज़ है इसमें ये है कि जो यहाँ पर आपका USB और मेमोरी कार्ड है वो 128 GB तक ये सपोर्ट कर लेता है, और जो इसकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी है वो आप देख सकते हैं कि 20 से 20 kHz तक आपको देखने को मिलती है। तो काफ़ी मैं बोलूँगा कि इस प्राइस के अनुसार ये ठीक फ्रीक्वेंसी होती है। एंड अगर ड्राइवर साइज़ की बात करें, वो 57 mm के दो ड्राइवर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। एंड इसमें जो आउटपुट है वो 14 वाट की मिलती है, मतलब 7 वाट एक स्पीकर में आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बात की गई है कि एट 50% वॉल्यूम लेवल पे इसका जो हाईएस्ट बैटरी बैकअप रहेगा वो यहाँ पर 20 हार्स का दोस्तों दिया गया है। तो अगर ये 18 से 15 घंटे भी चल पड़े 50% वॉल्यूम पे तो काफ़ी अच्छी बात होगी। और जो चार्जिंग टाइम है वो यहाँ पर 5 घंटे बताया गया है, और जो इसका वेट है वो 710 ग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं बिना देरी के, लेकिन पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इस डब्बे की। तो जो प्राइस है 2499 यहाँ पर लिखा है, तो लेकिन अगर इसे आप ऑनलाइन मार्केट में परचेज़ करने जाओगे तो आपको ये 1500-1600 के आसपास देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसे आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, ये डब्बा आपका यहाँ पर साइड हो जाएगा। एंड अंदर से कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स देखने को मिलता है, बहुत ही प्यारा दोस्तों बॉक्स है। एंड कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा, एंड इसे सिंपली आप यहाँ से खोल सकते हो इस तरीके से। एंड उसके बाद इस आपको यहाँ पर जो स्पीकर देखने को मिलेगा ये कुछ इस तरीके का है। एंड इसमें मैं अभी आपको इसकी बैटरी बैकअप के बारे में भी बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ 2 दिन, एंड अब मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखा रहा हूँ। एंड आउटडोर भी मैं इसको ले चुका हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटडोर में इसको जब ले गया था तो थोड़ी बहुत दूर यहाँ पर बैठ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पावर है 14 वाट यहाँ पर लिखी है, और इनपुट 1 एम्पियर 5 वोल्ट, मतलब 5 वाट की दोस्तों ये चार्जिंग यहाँ पर सपोर्ट करता है, और मेड इन चाइना है। तो ये रही कुछ ये बात। और इसमें यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बटन देखने को मिलते हैं ऊपरी साइड दोस्तों, यहाँ पर आपको ये एक ग्रिप देखने को दी गई है थोड़ा दोस्तों, यस। तो यहाँ तक आप इसे पकड़ सकते हो, एंड वेट दोस्तों ठीक ठाक इसका उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर एक हाथ से अगर आप पकड़ेंगे तो फिर आपको यहाँ पर वेट इसका ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। इसको दोस्तों हम करते हैं साइड पर, देखने को मिल जाता है एक ये डब्बा जिसमें कि आपको यहाँ पर इसके USB केबल देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सी USB केबल है, उसके बाद एक ऑक्स वायर भी यहाँ पर आपको दी गई है। तो ये सारे चीज़ें आपको इस बॉक्स में ही देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों बॉक्स में सब कुछ मैंने आपको बता दिया क्या क्या देखने को मिल जाता है। एंड ये है यहाँ पर स्पीकर। तो बात करें स्पीकर की, तो इसमें आपको दोस्तों इस साइड 1 7 वाट का देखने को मिलता है, इस साइड भी 1 7 वाट का स्पीकर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम बात करें इसमें मोड्स की, तो यहाँ पर आप इसे पॉज कर सकते हो, यहाँ से आप इसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, एंड सॉन्ग्स भी आगे पीछे यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों इसके आप मोड चेंज कर सकते हो, जैसे कि ऑक्स से ब्लूटूथ में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। एंड बात करें इसके ऑन ऑफ के बटन की, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं USB मेमोरी कार्ड ऑक्स, यहाँ पर चार्जिंग होगी दोस्तों, यहाँ पर ब्लू और रेड लाइट जलेगी आपकी। उसके बाद यहाँ पर आप इसे इस तरीके से ऑन कर सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऑन होता है। तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको अभी साउंड भी यहाँ पर सुना दूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कंप्लीट इसका साउंड टेस्ट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसकी वीडियो मैं आपको जल्दी यहाँ पर दे दूंगा।
दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके की आपको साउंड देखने को मिलती है। तो हमारी दोस्तों ये वीडियो हुई पूरी, अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और इसका अगर आपको फुल यहाँ पर बेस टेस्ट एंड साउंड टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर ज़रूर लिख सकते हो।